Lovely children, welcome to your own Akash Baiju's Neat channel. Today, I, Dr. Pankhuri Meghlani, your biology teacher, am going to discuss, as I promise every weekend, NCERT line by line, as far as bryophytes are concerned. पिछले हफ्ते बच्चों हमने मिलकर किया था एल्गे, है ना. एनसीईआरटी की एक एक लाइन से, एक एक पैराग्राफ से हमने 5-10 एमसीक्यू आराम से निकाल दिए थे. आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन ब्रायोफाइट से. बड़ा सोच समझ कर मैंने पूरे चैप्टर को आपके वीकेंड में डिवाइड कर दिया है कि आप एक वीक में एल्गी कर रहे हो, एक वीक में ब्रायोफाइट कर रहे हो. क्योंकि अक्सर हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ते हैं दैट वी टेक इट लाइटली, है ना. हम सोचते हैं यार एनसीईआरटी में चैप्टर है कुछ 20 पेज का 15 पेज का, और किसी और टेक्स्ट बुक में या मेरे स्टडी मटेरियल में सेम चैप्टर है भाई 50 पेज का, तो एनसीईआरटी का क्या है, मैं कैसे भी कर लूंगा, मैं कैसे भी पढ़ लूंगा. लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन कुड मीन मोर देन 10 लाइन समवेयर एल्स. ये जादू है, ये स्पेशलिटी है एनसीईआरटी की. लेकिन वो तो इसीलिए एनसीईआरटी इज अ वेरी क्वालिटी बुक, इट सेज अ लॉट, बट उसको समझने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ अ मेंटोर, अ टीचर हु लव्स एनसीईआरटी एज मच एज इट शुड बी लव्ड, हु अंडरस्टैंड्स एनसीईआरटी एज इट शुड बी अंडरस्टूड. बड़े सालों तक इन माई टीचिंग एक्सपीरियंस जब मुझे ये समझ में आया कि यार एज अ स्टूडेंट मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि एनसीईआरटी की ये बारीकी है, एनसीईआरटी की ये आत्मा है, तो मैंने सोचा कि अब जब मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे बच्चों को एनसीईआरटी समझने में कभी मुश्किल नहीं होगी. उन्हें 2-3 बुक्स 15-20 टीचर्स से पढ़ने की बजाय दे विल जस्ट फोकस ऑन वन बुक एंड दे विल नो एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, है ना. तो अब हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं ये इन सेशंस में सीख रहे हैं. एंथी टेस्ट विच इज लॉन्च्ड बाय आकाश बायजूस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक करें. रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट, इससे आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, कैश रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, तो इसको मिस ना करें. बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन होगा नवंबर के महीने में. उसके अलावा अगर आप ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए नॉट 10%, नॉट 25%, बट 50% स्कॉलरशिप रखी है आकाश बायजूस ने. फटाफट उसके लिए रजिस्टर कीजिए, देर मत कीजिए. अगर आप अपने नीट 2023 एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं, 11 सितंबर को डॉक्टर सचिन कपूर विल बी लाइव एट शार्प 12:30 PM टॉकिंग टू यू अबाउट द नीट 2023. वो सारे बच्चे जो अब दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते, या जो 12th में है या जो 11th में भी हैं और उनको लगता है कि यार हमें कोई बता दे कि चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस के बल पर, है ना, और इतने सारे डॉक्टर्स क्रिएट करने के बल पर डॉक्टर सचिन कपूर विल गाइड यू, ही इज देयर फॉर यू टू गाइड यू इन योर नीट जर्नी. इस वेबिनार के लिए ज़रूर रजिस्टर करें. अगर आप क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम पॉइंट जीरो, ग्राउंड जीरो पढ़ना चाहते हैं, तो 11वीं क्लास मंडे वेंसडे और फ्राइडे को लाइव होती है विद दीज टीचर्स, है ना, और 12th क्लास ट्यूसडे और थर्सडे को लाइव होती है विद द सेम टीचर्स. आकाश बायजूस ऐप पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, काउंसलिंग सेशंस, डेमो क्लासेस और क्या नहीं है, बहुत सारे फीचर्स हैं इस ऐप के. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स ऑफ दिस कंट्री फॉर अ नीट एस्पिरेंट. इसको भी आप डाउनलोड करें विद द हेल्प ऑफ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्योंकि आप हम लोगों को इतना अप्रिशिएट करते हैं, आकाश बायजूस नीट को इतना प्यार करते हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी यू नो. To spread the news of quality education, subscribe to this channel if you are new to the channel and make sure your notifications are on. Koi bhi baat aapko karni ho, koi bhi concern ho, you can reach out to me. Yeah, you can write to Akash Bhaijus and you can also put your concerns in the comments section. To aaj, jaisa ki maine bola, bryophytes ki bari hai, yani ki division number 2 ki bari hai. Dhyan se suniyega, jaise jaise main questions nikalungi. हमें पता है कि आज ब्रायोफाइट्स में जो ऑर्गेनिज्म, जो मेंबर्स हम देख पाते हैं वो मोस्टली मॉसेस हैं. तो ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लिवरवर्ट्स जो हमें मिलते हैं, बीच में मैंने आपको क्लास में बताया था जो
सरोप्सिडा है वो तो ऑलमोस्ट हॉर्नवर्ड्स, वो तो देखने को मिलते ही नहीं है, एक्सटिंक्ट हैं। तो इन दो ग्रुप्स को माना जाता है एज द मेजर मेंबर्स। लिवरवर्ट्स आर द मोस्ट एंशंट ब्रायोफाइट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, है ना, क्योंकि इनको मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। इनको हिल्स क्यों बोला, क्योंकि इनको बैरन लैंड चाहिए होता है। तो वहाँ हिल्स में जो ऐसे रॉक्स हैं जहाँ पे आसपास ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है ओइंग टू लो टेम्परेचर्स, लेकिन बारिश के महीने में दे विल ग्रो एबंडेंटली। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हु आर दी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये मॉइस्ट सॉयल में टेरेस्ट्रियल लैंड पे ग्रो कर तो जाएंगे, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, दे आर डिपेंडेंट ऑन पानी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इनकी ये जो चैलेंज है ना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मैंने क्लास में बताया था कि एंथ्रेजोइड्स को स्विम करके जाना पड़ेगा आर्किगोनियम की तरफ, है ना। वाटर फिल्म इज नेसेसरी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, वाटर फिल्म इज नेसेसरी। जिन बच्चों की ब्रायोफाइट्स की क्लास मिस हो गई है वो प्लेलिस्ट में जाएं मिशन MBBS 2024 और ज़रूर उस क्लास को देखें। दे यूजली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। तो एक टॉपिक आता है, बड़े बच्चे जानते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्लास 12th में, इकोसिस्टम में, कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म है जो लाइफ को स्टार्ट करते हैं इन अ बैरन एरिया। तो सबसे पहले होते हैं लाइकेंस और उसके बाद आते हैं मॉसेस। सो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है बिकॉज ये 12th का भी है और 11th का भी कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स को डिकोड करना अति अनिवार्य है, तो डूइंग दैट फॉर यू। हमारे पास लिवर वर्ट का जो डायग्राम है, मैंने क्लास में बताया था, ये मरकांशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। तो मरकांशिया मैंने क्लास में बताया था, दे आर मोस्टली डायोशियस इन नेचर, बोले तो फीमेल और मेल थैलस हमें सेपरेटली नजर आते हैं। अब हैविंग सेड दैट, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द थैलाई, है ना, ये कैसा है, प्रोस्ट्रेट कंडीशन में है, इरेक्ट कंडीशन में नहीं है, डॉसी वेंट्रली अरेंज्ड है। फिर ये एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, गेमा कप्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, दे कम ऑन स्टॉक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फोर्स, आर्किगोनियो फोर एंड एंथ्रीडियो फोर, है ना। गेमा कप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो वो ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा कि भाई ये किसका डायग्राम है, तो आप बोलोगे लिवर वर्ट का है, मरकांशिया का है। उसके बाद ना वो इन स्ट्रक्चर्स को भी दे सकता है, गेमा कप को भी दे सकता है, इस स्टॉक को भी दे सकता है, तो डायग्राम से भी क्वेश्चन निकल आता है। उसके बाद हम मॉसेस की तरफ गए जो हमें इरेक्ट कंडीशन में मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बॉडी ज्यादा डेवलप्ड होती है। तो ये फिनेरिया है और स्फेग्नम आपका पीट मॉस हो गया, है ना, ये दोनों आपके बड़े मेजर एग्जांपल्स हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सिर्फ ये कि डायग्राम एज इट इज आ गया और बोला आइडेंटिफाई दी ऑर्गेनिज्म, तो ये जरूर करके जाना। ये आपको दिख रहा है कि गैमेटोफाइट है, ये आपको दिख रहा है कि राइजोइड्स हैं, है ना, ये जरूर फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है डायग्राम बेस्ड। उसके बाद स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्स्यूल रहेगा, कैप्स्यूल एक बार आ चुका है एज अ फिल इन द ब्लैंक, सही बात है। तो ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन, इतना हमें पता है ये भी थैलस लाइक, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंशिएशन मिली ना, राइजोइड्स मिल गए, रूट लाइक राइजोइड्स मिल गए, क्लास में बताया था, फिर फुट, सीटा, कैप्स्यूल मिल गया। दे कैन बी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। कितने सवाल हो गए अभी तक हमारे पास? हमारे पास 5 सवाल हो गए, ये छठा सवाल है भाई। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। हाँ, दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव, दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ज्यादा से ज्यादा अगर डिफरेंशिएशन हो रही है वो भी अपने को मॉसेस में मिलेगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ इज अ गैमेटोफाइट, क्वेश्चन नंबर 7, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन्स इन गैमेटोफाइट आर मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर नहीं होंगे, मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये पूरा सेंटेंस अगर बनता है एज अ क्वेश्चन, दे आर ट्रू एंड फॉल्स में अगर आ जाए तो। अब मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं जी? एंथ्रीडियम बोलते हैं, इसको हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दे प्रोड्यूस बायफ्लेजुलेट एंथ्रेजोइड्स, मैंने बोला था ना क्लास में कॉमा शेप्ड मोटाइल, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है आइसोगेमी है ना, आइसो
पक्की शेप है भाई, सारे मोटाइल हैं। द फीमेल फर्स्ट आर्किगोनियट्स क्लास में बताया था, है ना, पहली बार इवोल्यूशन में आर्किगोनियम आया। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताया था डिटेल में क्लास में। तो एनसीईआरटी से जो 5-10% बाहर जाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है एम्स के क्वेश्चन के लिए, वो मैम क्लास में जाती है, उस क्लास को जरूर देखिए। एक सिंगल गैमेट यानी कि एग होता है। द एंथ्रेजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर एंड दे फ्लो टू द आर्किगोनियम एंड एंथ्रेजॉइड फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट विल नॉट अंडरगो, ये मेरी एक फेवरेट लाइन है, इट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली लाइक एल्गी, है ना। इसमें भावना ये है कि दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एल्गी, क्योंकि वो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, दे विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट। तो क्लास में मैम ने बार बार क्या बोला, इट इज पैरासिटिक, है ना, स्पेस भी ले रहा है नरिशमेंट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विल अंडरगो मियोसिस, है ना। स्पोरोफाइट के अंदर, कैप्सूल के अंदर कुछ स्पोर मदर सेल्स होते हैं, इसलिए बोला Some spore mother cells, to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. आया समझ में? अच्छा, जैसा कि मैंने बोला, इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है भाई, लेकिन इकोनॉमिकली हम ज्यादा से ज्यादा, मैंने क्लास में बात की आपसे कि सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फेग्नम के ऊपर आ जाती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से। उसको बॉग मॉस, पीट मॉस बोलते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे। एनसीईआरटी क्या बोलती है ये देखते हैं। हाँ, ब्रायोफाइट्स आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम आ गया जी, इसका नाम, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। A moss provide peat, peat moss बोलते हैं, that have long been used as fuel and as packing material. Very important question, question number 13, packing material. क्यों? क्योंकि ये moisture contain करेगा। तो अगर मेरे को plants को, seedlings को, कोई भी ऐसे substance को transport करना है जो कि fresh रहे, जिसमें moisture content बना रहे, living material, है ना, dead material की बात नहीं हो रही, मुझे living material को अगर transport करना है, तो मैं उसको पीट में पैक कर दूंगी, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। मॉसेस, फिर इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आ गई, इसको नेक्स्ट पेज पे मार्क कर देती हूँ। ये वाला इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्लास में मैंने अच्छे से बताई है। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक है, इसको मैं मार्क कर रही हूँ। करते जाओ, 14 सवाल 14 MCQ मार्क हो गए हैं, रुकना नहीं है बच्चों। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कीवर्ड आ गया। दे डीकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में ना ये बहुत पहले आ जाते हैं, और इनके जो राइजॉइड्स हैं, जो बच्चे मेरे साथ 12वीं में जुड़े हुए हैं, वी हैव स्टडीड इकोलॉजिकल सक्सेशन। मैंने तो आपको प्रोसेस एनिमेशन के थ्रू होता हुआ दिखाया। तो रॉक में जब राइजॉइड्स अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो उससे क्रैक्स हो जाते हैं, और जब रॉक क्रैक होता है तो धीरे धीरे वेदरिंग होके सॉइल फॉर्मेशन बन जाएगी। सिंस मॉसेस फॉर्म मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द सॉइल इरोजन। ये भी इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। क्लास में मैंने बताया था, इनकी आदत है कि ये पूरी सॉइल को कवर कर लेते हैं। जब ये पूरी सॉइल को कवर कर लेते हैं ना, तो सॉइल इरोजन बारिश आने पे नहीं होती है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अब लिवरवर्ट्स के बारे में बात करते हैं। हेपेटोकॉप्सिडा, ये तो हमें पता है कि ये कहां पे ग्रो करेगा, है ना। इसका जो मेंबर है मेन, वो मरकांशिया है, डॉर्सी वेंट्रल। बार बार मैंने क्लास में ये समझाया है, डॉर्सी वेंट्रल। लिवरवर्ट्स का पहला क्वेश्चन, क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट का मतलब है ये इरेक्ट नहीं ग्रो करेगा, ये डॉर्सी वेंट्रल ग्रो करेगा। द लीफी मेंबर्स, अगर कोई लीफी मेंबर है भी, है ना, तो वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे ऐसे दो रोज बना लेगा, ओके, बट इट इज यूजुअली डॉर्सी वेंट्रल इन नेचर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी। ये आता है जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्लास में लिखवाया है ना पूरी डेफिनेशन गेमे की, फटाफट जो लोगों ने क्लास नहीं देखी है 1.5x पे फटाफट क्लास देख लो, तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा, है ना, क्योंकि थोड़े से प्लांट किंगडम में से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, यू नो वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर सच कॉन्सेप्ट्स। तो आपको गेमे पूरे प्यार से मैंने समझाया है कि गेमे होता क्या है। गेमे आर ग्रीन मल्टाइसेलुलर एसेक्सुअल बड्स, ये ग्रीन है, मल्टाइसेलुलर है, एसेक्सुअल बड्स हैं, विच डेवलप इन गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द डोर्सल सर्फेस ऑफ द थैलस, है ना।
द गेमी बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. यूजुअली एक गेमा, ये मैंने क्लास में बताया था, दो थैलाएं देगा. ये भी जादू की छड़ी है. एक गेमा तुम्हारा अकेली एक बड दो थैलाई को जन्म दे देती है ना. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, मेल एंड फीमेल. अब सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई. कि एक ही थैलस पे एंथ्रेसॉइड्स भी बन गए, एग भी बन गया, या डिफरेंट. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इंटू फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल. आफ्टर मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्स्यूल. ये क्लास में बताया. These spores germinate to form the free-living gametophytes. Gametophyte is free-living in nature. Mosses की बात करते हैं, थोड़ी ज़्यादा differentiation है. The predominant is gametophyte only. लेकिन gametophyte sporophyte से directly नहीं बनता है, indirect development होती है. बोले तो पहले आएगी juvenile stage, very important. Mosses से इसको continuation में मैं बता देती हूँ. अभी तक तुम्हारे पास 4 MCQ आए हैं, 5. देखो अगर किसी ग्रुप के जनरल कैरेक्टर्स अच्छे से पढ़ लोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे आ जाते हैं. ठीक है. सो प्रोटोनीमा स्टेज है, जो ऐसे क्रीपिंग सी रहती है सांप की तरह, है ना, लेकिन ये ग्रीन होती है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर. क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, धागे जैसी. ये लिखवाया था क्लास में, लिखा है मेरे साथ. अब ये डेवलप होगी लीफी स्टेज में, यानी कि इरेक्ट वाली स्टेज में, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लैटरल बड. प्राइमरी प्रोटोनीमा था, उससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप होगा. सेकेंडरी प्रोटोनीमा ऐसी बट देगा जो फाइनली मैच्योर लीफी गैमेटोफाइट में डेवलप होगा. दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, हो गया इरेक्ट, स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स. मैंने क्लास में बताया था. दे आर अटैच टू द सॉयल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स. देखो एक बात सुनो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. यूनिसेलुलर राइजोइड्स तुम्हें लोअर ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे, रिशिया में, मकैंशिया में, लेकिन मॉसेस में तुम्हें मल्टाई सेलुलर राइजोइड्स मिलेंगे. दिस स्टेज विल बेयर द सेक्स ऑर्गन. यानी कि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विच स्टेज ऑफ मॉसेस विल बेयर द एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और बडिंग हो जाती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा. वही सेकेंडरी प्रोटोनीमा बड दे देगी और बन जाएगा, ठीक है, सेक्स ऑर्गन डेवलप ही नहीं होंगे. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट. तो वो जो लीफी गैमेटोफाइट है उसके एपेक्स पे एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम डेवलप होगा. फिर फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होगा. स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है फुट, सीटा, कैप्सूल. ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का. ये फीचर कॉमन है लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों में. द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलैबोरेट. ये लाइन को भी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में एग्जामिनर डाल सकता है अगर उसने अभी भी नहीं डाला है. सो वी हैव टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर. द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलैबोरेट. द कैप्स्यूल कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्मड आफ्टर मियोसिस रिडक्शन एंड डिवीजन. द मॉसेस हैव एन एलैबोरेट. हाँ, ये चीज जो है ना बच्चों, ये मैं अगर एग्जामिनर हूं तो क्वेश्चन दूंगी, लिवर वर्ड्स आज हमें ज्यादातर मॉसेस क्यों दिखते हैं, क्योंकि लिवर वर्ट्स में ना स्पोर डिस्पर्जल का मैकेनिज्म नहीं है कि स्पोर एक जगह से जाके दूसरी जगह में फैले. ओके, सो स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म, जो भी प्लांट ये मैकेनिज्म लेके आएगा, सीड डिस्पर्जल लगा लो एंजियोस्पर्म्स में, स्पोर डिस्पर्जल लगा लो, कॉमन एग्जाम्पल्स फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम. एग्जाम्पल भाई प्लीज बच्चों जरूर जरूर पढ़ के जाएं. सो दिस वॉज द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ ब्रायोफाइट्स. करीब करीब हमने आज की क्लास में 25-30 क्वेश्चन निकाल लिए हैं. पहले हमने जनरल कैरेक्टर से निकाले, उसके बाद हमने इंडिविजुअल ग्रुप से मॉसेस और स्पोरोफाइट की एक एक लाइन से. देखो मेरी एक बात सुनो, पुराने जमाने में, ये बात बांध के रख लेना कहीं पे, घुमा के कॉन्सेप्ट से घुमा के क्वेश्चन आते थे और एग्जाम्पल के डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे. अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना नीट में, तुम नीट 2022 खोल के देख लो, जिसमें सब बोल रहे हैं कि थोड़ा पेपर बायो का डिफरेंट था, एज इट इज ये लाइन आ जाएगी और ऊपर एक सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और करेक्ट फॉर मॉसेस, फॉर
फॉर ब्रायोफाइट्स एंड ही इज नॉट गोइंग टू घुमाओफाई द क्वेश्चन, ही इज जस्ट चेकिंग वेदर यू हैव रेड एनसीईआरटी प्रॉपरली. वो ये क्वेश्चन देगा, द मॉसेस हैव एन एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल एंड ही विल लीव ऑन यू टू चूज वेदर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स. अब मुझे बताओ कैसे चूज करोगे अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे. तो मैं वो स्टेटमेंट्स मार्क करती हूँ जो पिकअप के लिए आ सकती हैं. इन सेशंस को जरूर रेगुलरली, मैं आपको रोज नहीं करवा रही हूँ. हमने प्लांट किंगडम खत्म करने के बाद, हर चैप्टर खत्म करने के बाद, हमने उसके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस भी किए हैं. तो समझो कि एक 360 डिग्री लेवल पे तैयारी कैसे होती है. दैट इज, वो समझना और वो एनालाइज करना इज ऑन यू. और आप छोटे नहीं हो कि आपको ये पता नहीं लगता कि तैयारी कैसे और कहाँ पूरी तरह से करवाई जाती है. राइट पीपल, शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. आई विल सी यू टुमारो विद अ मोटिवेशन सेशन. टेक केयर.